नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता विश्वकर्मा व्लॉग्स। और आपका मेरे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं स्किन केयर रेमेडी लेके आई हूँ। जैसे कि गर्मियों का सीज़न आ गया है, तो मैं सोची कि स्किन केयर रूटीन के बारे में आप लोगों से मैं शेयर करूँ। तो मैं अपनी स्किन की केयर कैसे करती हूँ वो ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली से। तो जो भी शेयर करती हूँ आप लोगों से, मैं ज़रूर वो वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैंने एक हल्दी का पैक या जेल बोले वो यूज़ किया है। कौन से हल्दी मैंने ली है वो भी मैंने मेंशन किया है वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और मेरी स्किन काफ़ी अच्छी, मतलब मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया फेस पे, ओनली लिपस्टिक के अलावा कुछ भी फेस पे यूज़ नहीं किया है। सिर्फ मैंने वो पैक या फिर जेल बोले वो मैंने यूज़ किया है, तो वो आप ज़रूर ट्राई करना। और जिसे ना हल्दी सूट होगी ना, प्लीज़ मैं उसे ही बोलूँगी कि आप ट्राई कीजिएगा। क्योंकि जो मैंने हल्दी यूज़ किया है वो हम गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल हल्दी जो यूज़ करते हैं, जो खाने में कितने लोग फेस पे यूज़ करते हैं, वो हल्दी बहुत गर्म होती है। बट मैंने जो हल्दी यूज़ किया है वो काफ़ी हमारी स्किन को ठंडक देगी। तो आप गर्मियों में बिंदास उसे यूज कीजिए। और जो भी मैंने चीज़ें ली है ना, वो घर में हमेशा अवेलेबल होती है। और आपको बोलते हैं ना, कभी कभार टाइम नहीं मिलता है हमारे फेस पे हमें कुछ भी यूज़ करने के लिए। तो आपको लगे कि आपके स्किन पे, आपका स्किन ब्लैक हो रहा है या फिर डल हो रहा है, स्किन पे झाइयों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो आप उसे रेगुलर यूज़ कीजिएगा नाइट में सोने से पहले। एक बोलते हैं ना, नाइट रूटीन ज़रूर कीजिएगा उसे, तो आपको ज़रूर रिजल्ट आएगा उसका। और जिसको स्ट्रेच मार्क्स वगैरह हम बोलते हैं, उस पर भी आप उसे यूज़ करते रहेंगे लगातार ना, तो आपको खुद ही रिजल्ट मिलेगा। मिनिमम 3 मंथ यूज़ कीजिए लगातार, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअली मैंने पैक यूज़ किया है तो अभी भी थोड़ा लगा हुआ है, ठीक है। तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए, और उस यूज़ करने के बाद ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और रेमेडी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ झंझट नहीं है, कुछ नहीं है, आप उसको स्टोर भी करके रख सकते हैं फ्रिज में। अगर फ्रिज में आप रखेंगे तो काफ़ी आपको ठंडक देगा वो। और आपके पास फ्रिज नहीं है तो आपको, आप उसको इंस्टेंट बना के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इंस्टेंट बना के यूज़ कीजिए, अगर नहीं टाइम है तो उसको स्टोर करके भी हम रख सकते हैं। मिनिमम फेस के अकॉर्डिंग ही मैंने लिया है, तो उस हिसाब से स्टोर करके 1 हफ्ते का या 15 दिन का भी आप रख सकते हैं। क्योंकि मैं अगर बोलूँ कि अगर आप विदाउट फ्रिज स्टोर कीजिएगा, तो गर्मी का टाइम है वो ख़राब भी हो सकता है, इसके लिए मैं नहीं बोलूँगी। जिसके पास फ्रिज है या फिर लाइट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो ही आप स्टोर करके रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लिया है जो पतंजलि का है, आपके पास जो भी एलोवेरा जेल होगा आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अम्बा हल्दी लिया है, अम्बा हल्दी आप कस्तूरी हल्दी बोल के लेंगे ना मेडिकल पे, मैंने मेडिकल से लिया है तो मुझे कस्तूरी हल्दी नहीं मिला, बट मैंने अम्बे हल्दी भी बोलते हैं इसे या फिर अम्बा हल्दी भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बाउल ले लिया है, और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने जेल यूज़ किया है अपने फेस के अकॉर्डिंग। और ये जेल, एलोवेरा जेल हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कोई अदर ब्रांड का भी है तो आप यूज़ कर सकते हैं, और मैंने तो पतंजलि का यूज़ किया है। और मैंने अम्बा हल्दी लिया है तो मुझे कस्तूरी हल्दी नहीं मिली, तो मैंने अम्बा हल्दी यूज़ किया है, तो अम्बा हल्दी भी बहुत अच्छा है फेस के लिए। और ये कौन से ब्रांड का लिया वो भी ज़रूर शेयर करूँगी आपसे मैं। और ये काफ़ी, ये आयुर्वेदिक है ये हल्दी, तो इसके लिए मैंने लिया है इसे। उसके पास और भी ब्रांड के थे बट मैंने नहीं लिया, इसे मैंने पढ़ के ही लिया है। तो देखिए, मैं चुटकी भर अम्बा हल्दी यूज़ कर रही हूँ आपके फेस के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर हम चुटकी भर लेंगे तो 2 या 3 चुटकी आप ज़रूर लीजिए हल्दी, इतने में आपका फेस पे बहुत अच्छा कलर भी आएगा, फेयर भी करेगा आपकी स्किन को, और स्किन की जो भी प्रॉब्लम भी होती है ना, तो वो भी दूर करेगा। क्योंकि हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो इसके लिए आपके स्किन की जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी दूर करेगा। और इसे हफ्ते में आप, मैं तो बोलती हूँ कि आप रोज़ यूज़ कीजिए नाइट रूटीन में, कुछ है नहीं इसमें, आप स्टोर भी करके इसे रख सकते हैं। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप अगर फ्रिज में रख के यूज़ करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा ठंडक महसूस देगा। और गर्मी का टाइम है तो घमोरियाँ वगैरह भी होती हैं कितने लोगों के फेस पे या बॉडी पे, तो आप ज़रूर इसे यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हल्दी को। तो पैक रेडी हो चुका है, तो मैं इसे अभी फिंगर पे दूंगी, और थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा अच्छे से रफ़ कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा जो हमने डाला है वो एक्टिव हो जाए, उसके बाद हम फेस पे अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं हल्दी कितना अच्छा कलर दे रहा है ये। तो आपका फेस क्लीन होना चाहिए,
ये जेल लगाने से पहले आपका फेस या तो आप फेस वॉश से क्लीन कर लें, फेस वॉश से क्लीन करना ज़्यादा बेटर है। फेस वॉश से क्लीन करने के बाद इसके बाद ये जेल अप्लाई कीजिएगा। तो मैंने ये जेल अप्लाई किया और इसे मसाज के तौर पे ही मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और एकदम हल्के हाथ से करना है, एकदम प्रेशर देके नहीं करना है फेस पे, हल्के हाथ से करना है इसे। जिसे भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना, वो ज़रूर ट्राई करना है और रेगुलर यूज़ करें तो ही उसे रिज़ल्ट मालूम पड़ेगा। आप 15 डेज भी कंटिन्यू करेंगे ना रेगुलर, तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट आएगा। और इसे नाइट में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा ये। ये स्टेप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, काफ़ी रिलीफ मिलता है। वीडियो को मैंने स्पीड में किया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसके लिए मैंने इसे वीडियो को स्पीड में किया है। तो आप हल्के हाथों से ही ऐसे ही मसाज कीजिएगा, हल्के हाथों से ही करना। और जिसे भी ये हल्दी, मतलब मैं तो बहुत लोगों की स्किन पे सूट होती है, बट ये हल्दी ऑल टाइप स्किन के लिए है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके पास जेल नहीं है तो आप इसके साथ बादाम ऑयल भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट ये भी देता है। तो बादाम ऑयल और ये आंबा हल्दी दोनों मिक्स करके आप यूज़ कीजिएगा। ऐसे करने से ना, ये मसाज करने से ना हमारा स्किन भी टाइट होता है और ऊपर की तरफ हमें बहुत अच्छे से मसाज करना। अगर हम नीचे की तरफ करते हैं तो स्किन नीचे की तरफ आती है, अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो स्किन ऊपर की तरफ जाती है और टाइट रहती है। इसके लिए ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने स्पीड में किया हुआ है इस वीडियो को। और कंटिन्यू इस मसाज को आप 5 मिनट ज़रूर कीजिएगा फेस पर अप्लाई। 5 मिनट तक मसाज करना है। मसाज करने के बाद फिर इसे हम अप्लाई करेंगे, जो भी हमारा वो क्रीम या जेल बचा हुआ है। तो मसाज मेरा हो चुका है अच्छी तरीके से। तो अभी ये जो भी मेरा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, मैं अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी फेस पे। और इसे मैं तकरीबन 10 मिनट रखने वाली हूँ। 10 मिनट के बाद मैं इसे वॉश करने वाली हूँ। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे फेस पे। तो थोड़ा सा मैंने आँखों के ऊपर भी अच्छे से लगा लिया है इस जेल को, तो आप भी ज़रूर लगाना। तो यहाँ पे मैंने कॉटन ले लिया है, हैंकी ले लिया है। तो आपके पास इस टाइप की हैंकी होगी नरम एकदम, तो उसी से ही आप रिमूव करना। तो आप देख सकते हैं फेस कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है। किसी के फेस पे बहुत इंस्टेंट ग्लो देगा, किसी के फेस पे बहुत लेट देता है, बट देता ज़रूर है थोड़े टाइम के बाद। तो इसे मैं हैंकी के थ्रू निकाली। आप चाहे तो फ्रेश वाटर से भी इसे वॉश कर सकते हैं, बट मैं हैंकी के थ्रू इसे रिमूव कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ रुमाल के थ्रू। आपके पास अगर टॉवल भी होगा नरम तो ही उसे यूज़ कीजिएगा, और हल्के हाथों से रिमूव करना है इसे। तो अच्छे से ये रिमूव हो चुका है और फेस काफ़ी अच्छा क्लीन हो गया था मेरा। अगर सन टैन वगैरह या धूप के वजह से हमारा चेहरा काला पड़ता है तो आप ये रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम बड़े बड़े रेमेडीज़ यूज़ करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये रेमेडी ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो एक लास्ट स्टेप जेल में हमेशा यूज़ करती हूँ, कोई चाहे वो मैं पैक लगाऊं, जेल लगाऊं या फेशियल करूं, जो भी करूं मैं हमेशा लास्ट में ज़रूर अप्लाई करती हूं। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप बादाम तेल भी वापस यूज़ कर सकते हैं मसाज के तौर पे। मसाज करके ही उसे अप्लाई करके छोड़ना है ओवरनाइट, मतलब रात भर आप छोड़ दीजिए। या फिर आपके पास दोनों नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी लगा के सो सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा ये भी रात भर अगर हमारे फेस पे, क्योंकि कोई भी जेल या मसाज वगैरह हम करते हैं तो हमारे स्किन के जो भी पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, तो उसमें डस्ट वापस जाने की संभावना रहती है। इसके लिए मैं हमेशा जेल यूज़ करती हूँ अपने फेस पे कवर करने के लिए। तो आपके पास जेल नहीं है तो आप बादाम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं।
जी लग अच्छे से एकदम एब्जॉर्ब हो गया है मेरे फेस पे। तो आपको ये रेमेडी कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए रेमेडी के साथ। सो बाय।